हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई एम सुनीता फ्रॉम SDS विद्यापीठ। वेलकम टू SDS विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस। टुडे इन योर नर्सरी क्लास एंड इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट वी आर लर्निंग अबाउट द अल्फ़ाबेट लेटर पी। ओके स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग अबाउट अल्फ़ाबेट लेटर पी, पी फॉर पेंगुइन। ओके, आज आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में हम अल्फ़ाबेट लेटर पी के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता ही है यह जो पहला लेटर होता है इस तरफ का, यानी आपके लेफ्ट साइड का, यह होता है कैपिटल लेटर, और इस तरफ का जो लेटर है राइट साइड का वो है स्मॉल लेटर। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यह है कैपिटल लेटर ऑफ पी एंड दिस इज स्मॉल लेटर ऑफ पी। ओके स्टूडेंट्स, पी, पी फॉर पेंगुइन। क्या है ये? पेंगुइन। पेंगुइन क्या होता है बच्चों? पेंगुइन होता है एक समुद्री बगुले की तरह, समुद्री जीव यानी एक बगुले की तरह जो समुद्र में रहता है। एक बगुला होता है जो ऊपर ऊपर पानी के उड़ता है, वो पूरा सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। और यह ऐसे बगुले होते हैं जो बर्फीले देशों में पाए जाते हैं, जो कि बर्फ वाले देशों में बर्फ पर पाए जाते हैं। यह जो है नॉर्मल जो हमारा मौसम होता है गर्मी, इन सारे देशों में यह नहीं रह पाते हैं, यह सिर्फ बर्फीले देशों में ही देखे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह क्या है? पेंगुइन। पेंगुइन यानी एक समुद्री बगुला। पी, पी फॉर पेंगुइन। ओके स्टूडेंट्स, पी, पी फॉर पेंगुइन। पी ई एन जी यू आई एन, पेंगुइन। ओके, पी फॉर पेंगुइन। नेक्स्ट है पी, पी फॉर पीकॉक। क्या है? पीकॉक। पी ई ए सी ओ सी के, पीकॉक। पीकॉक यानी मोर। क्या होता है बच्चों? मोर। आप इसे कैसे पहचानेंगे? यह देखिए, इसके पीछे यह जो इनके जो पंख होते हैं, इसका बड़ा सा भाग, इनकी बनावट से आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं कि यह मोर है। क्या है? मोर पक्षी है। मोर क्या है? हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है बच्चों? राष्ट्रीय पक्षी है। इसे क्या कहते हैं? यह है नेशनल बर्ड। क्या है? नेशनल बर्ड, ठीक है। तो मोर जो होते हैं उन्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद होता है, और बारिश के मौसम में वे बहुत खुश होकर नाचते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह क्या है? पी फॉर पीकॉक। क्या है? पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। नेक्स्ट है पी फॉर पैरट। पी फॉर पैरट। पी ए डबल आर ओ टी, पैरट। पैरट मीन्स तोता। क्या है बच्चों? ये तोता जो हरे रंग का होता है और उसकी चोंच जो है वह लाल रंग की होती है, ठीक है बच्चों। तो यह क्या है? पैरट। पैरट जो होता है वो सभी के, मतलब अगर आप किसी किसी के घर में देखेंगे तो आपको पैरट ज़रूर मिलता है, क्योंकि कुछ लोग इसे पालना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि पैरट जो होते हैं वो देखने में सुंदर भी होते हैं बच्चों, और यह मनुष्य के साथ घर में रखने लायक भी होते हैं, जिससे वह मनुष्य की बोली भी सीख जाते हैं और उसे बोलते भी हैं, जिसे लोग इसे अपने पास रखना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यह सुंदर भी होता है और मनुष्य की बोली सीखते सीखते यह उसके तरह बोलने की कोशिश भी करने लगता है, ठीक है बच्चों। और तोता को, पैरट जो है, पैरट को मिर्च बहुत पसंद होती है, यानी हरी मिर्च जो होती है, ग्रीन चिली जिसे हम कहते हैं, वह तो पैरट को बहुत पसंद होती है। कैसे? जैसे उसका रंग भी ग्रीन है और मिर्च भी ग्रीन है, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं कि
कि पैरट को मिर्च खाना बहुत पसंद है, वो भी हरी मिर्च, क्योंकि वह भी हरा होता है और मिर्च भी हरी होती है। ठीक है बच्चों, तो पी फॉर पैरट, पैरट मीन्स तोता। नेक्स्ट इज पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पेंसिल, पी ई एन सी आई एल, पेंसिल। ठीक है बच्चों, पेंसिल आपको पता ही होगा, जिसे आप अपनी नोटबुक्स में राइट करते हैं। यह कैसे बनता है, यह इसके बीच में जो है पेंसिल, जिसे हम लिखते हैं, जिससे काला भाग आपको लिखावट के बाद दिखाई देता है और जिससे हम अक्षरों को लिखकर समझ पाते हैं कि हमने कौन सा अक्षर कैसे लिखा है। ठीक है बच्चों, तो यह हिस्सा इसका बीच में होता है और जो लकड़ी होती है वो इसके चारों तरफ से लगा करके इसे कलर कलर के यानी रंगों रंगों में ऐसे बना करके जो है आकर्षक रूप में बाजारों में बेचा जाता है। और किसी किसी पेंसिल में जो है इरेजर भी अटैच्ड होता है, यानी उसके पीछे वाले भाग पर बनाया गया होता है, जिससे आपको पेंसिल और इरेजर दोनों एक साथ काम में लाए जा सके, आपके काम में आ सके। ठीक है बच्चों, यह क्या है, पेंसिल। ठीक है, एक बार हम फिर इन वर्ड्स को रिपीट कर लेते हैं। पी, पी फॉर पेंगुइन, पेंगुइन मीन समुद्री बगुला। पी, पी फॉर पेंगुइन, पेंगुइन मीन्स समुद्री बगुला, जो सिर्फ बर्फीले देशों में पाए जाते हैं, बर्फ के बीचों बीच रहते हैं ये। ठीक है बच्चों, पी, पी फॉर पीकॉक, पीकॉक मीन्स मोर। पी, पी फॉर पैरट, पैरट मीन्स तोता। पी, पी फॉर पेंसिल, पेंसिल मीन्स पेंसिल। और पेंगुइन जो है बच्चों, देखिए यह इस टाइप का दिखता है, यह जो है अपने दोनों पैरों पर खड़े होते हैं, इनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर यह उनसे खड़े होने में बहुत सहायक होते हैं, उनके खड़े होने में बहुत सहायक होते हैं। इनके दो ऐसे छोटे छोटे पंखों की तरह हाथ होते हैं और इनकी पूंछ इस तरीके से छोटी सी निकली हुई होती है, और यह ऊपर से काले रंग के होते हैं और अंदर से सफ़ेद रंग के होते हैं। यह हिस्सा जो है इनका सफ़ेद रंग का होता है और यह हिस्सा जो है इनका काला या नीला रंग का होता है। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, ये जो है पेंगुइन जो होते हैं यह सिर्फ काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। इनका जो यह आगे वाला हिस्सा होता है यह सफ़ेद रंग का होता है और यह जो पिछला इनका हिस्सा होता है यह सिर्फ काले रंग का होता है। ठीक है बच्चों, पेंगुइन किस रंग के होते हैं, काले और सफ़ेद रंग के। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नीचे की तरफ जहाँ पर एक पोएम है। तो बच्चों यह देखिए, यह है आपकी आज की पोएम, जो किस पे बनी है, यह बनी है पीकॉक पे। किस पे बनी है, यह बनी है पीकॉक पे यानी मोर पे। ठीक है, तो पहले हम इसे टू टाइम्स रीड करेंगे, फिर इसका मीनिंग समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ इसे दोहराइएगा। पीटर पैटर, पीटर पैटर, पीटर पैटर, पीटर पैटर, डाउन कम्स द रेन, डाउन कम्स द रेन, पीकॉक्स आर डांसिंग, पीकॉक्स आर डांसिंग, इट्स मॉनसून अगेन, इट्स मॉनसून अगेन। फिर से एक बार हम इसे रीड करते हैं। पीटर पैटर, पीटर पैटर, डाउन कम्स द रेन, पीकॉक्स आर डांसिंग, इट्स मॉनसून अगेन। तो बच्चों हमने
रीडिंग जो है कंप्लीट कर ली है, अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ देखिए ये वर्ड्स क्या दिए गए हैं, पीटर पैटर, यानी जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर या किसी चीज़ पर पड़ती हैं तो आवाज़ आती है पीटर पैटर ऐसी। तो यही वो बताया गया है कि बारिश की बूंदें पीटर पैटर करके नीचे गिर रही हैं। डाउन कम्स द रेन, नीचे बारिश आती है, पीटर पैटर की आवाज़ के साथ बारिश नीचे आती है। पीकॉक्स आर डांसिंग, मोर नाच रहे हैं। देखिए यहाँ कितने मोर हैं, यहाँ 1 और 2, 2 पीकॉक्स हैं, कितने 2 पीकॉक्स। हाउ मैनी पीकॉक्स इज देयर, देयर आर 2 पीकॉक्स, 1 एंड 2, ओके। पीकॉक्स आर डांसिंग, मोर नाच रहे हैं। इट्स मॉनसून अगेन, यहाँ फिर से मॉनसून है, यानी बारिश का मौसम है। अगेन मीन्स क्या होता है बच्चों, अगेन मीन्स होता है फिर से, मॉनसून मीन्स बारिश का मौसम, डांसिंग मीन्स डांस करना, पीकॉक्स मीन्स मोर, और डाउन मीन्स नीचे, कम्स मीन्स आना, रेन मीन्स बारिश, ठीक है। पीटर पैटर की आवाज़ के साथ बारिश नीचे आती है, मोर नाच रहे हैं, फिर से मानसून का मौसम है, ठीक है बच्चों। तो एक बार हम इसे एक पोएम की तरह अच्छे से रीड कर लेते हैं। पीटर पैटर डाउन कम्स द रेन, पीकॉक्स आर डांसिंग, इट्स मॉनसून अगेन। सो स्टूडेंट्स, हमने इस लेटर को भी कंप्लीट कर लिया है, आप लोग इसे ज़रूर रीड करेंगे और इन वर्ड्स को भी ज़रूर लर्न करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ। थैंक यू।